सिंगरौली के चितरंगी में बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। चाहे झूलते तारों की बात हो या जर्जर ट्रांसफार्मर की, बिजली विभाग कभी भी इन मसलों पर संजीदा नजर नहीं आता है, जिसके कारण कई इलाकों में अंधेरा पसरा रहता है। सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक की पंचायत कोरसर पेपखार में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यहाँ करीब 20 दिन पहले ट्रांसफार्मर फेल हो गया था। तब उपभोक्ताओं ने ट्रांसफार्मर चेंज करने की बात कही थी, जिस पर बिजली विभाग का कहना था कि उपभोक्ताओं का बकाया बिल जमा होने के बाद ही नया ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जिसके बाद उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा किया और ट्रांसफार्मर बदला भी गया, लेकिन नए ट्रांसफार्मर की जगह पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, जिसके कारण 7 दिन में ही फिर से ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली गुल होने से लोग बेहद परेशान हैं। सर, ये हमारा ट्रांसफार्मर 100 KV का है, 12 अगस्त को जला हुआ था। जेई साहब से हम लोग बात करना चाहे, बात नहीं हुई जेई साहब से, फिर एसी साहब से बात हुई। एसी साहब जब जेई साहब को बोले तब वो हम लोगों से बात किए, और हम लोगों का फोन तो जेई साहब रिसीव नहीं करते हैं। किसी कदर जब बात हुई एसी साहब के कहने पर, तब जेई साहब फोन किए, और फोन किए तो बात हुई तो बोले कि ऐसा है, ट्रांसफार्मर नहीं है हमारे पास, हम ट्रांसफार्मर नहीं देंगे। फिर 25 अगस्त को ट्रांसफार्मर देने के लिए वो बोले। ये आप देख रहे होंगे कितना जला हुआ ट्रांसफार्मर दिख रहा है, पहले से ही खराब था, इसको हम लोगों को दे दिया, हम लोगों का गांव वालों का पैसा बर्बाद करा है। 2-3 जल गए थे, फिर उसके बाद 2 सितंबर को ये फिर जल गया। आज 10 सितंबर है, अभी तक यही साहब फोन नहीं उठाते हैं कि हाँ बता दें कि तुम लोगों की कोई कार्यवाही हम कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 दिन से हम लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।